सबके बीच उपस्थित होने का आदेश मिला है परम गुरु आदि गुरु श्री श्री ठाकुर रामकृष्ण के द्वारा। सबसे पहले प्रतिदिन के तरह आज भी उनके शुचि चरणों पर अपना विनय फूल प्रस्तुत करते हुए जिंदगी की अंतिम इच्छा के तहत उनसे यही मांगूंगा कि हे भगवान, इस विषम परिस्थिति में देश और देश के बाहर जितने भी लोग मानसिक और कायिक रूप से तापित सापित बेचैन व्याकुल और कष्ट से जूझ रहे, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे मेरे आदि गुरु, उनको सबसे पहले उनके कष्टों से मुक्त कर दे भगवान, मुक्त कर दे उनको। अब उनको और मत तड़पा। इसके पहले कि हम अपने बाकी के पाठ्यक्रम का अवलोकन करें, जिंदगी भर के लिए आपको फिर से एक फलसफा देना चाहूंगा। जो चीजें बचपन में मनुष्य को सिर्फ एक ही बार मिलती है जिंदगी भर के लिए, उन चीजों को कृपया न भूले। क्या न भूले? फिर से एक बार याद कर ले। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। मातृदेव पितृदेव और आचार्य के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन है पांडे का। इसके बाद सिलेबस के पाठ्यक्रम के फलसफे पर दृष्टिपात करते हुए आज जिस पाठ को शुरू करने जा रहा हूं उसका नाम है चप्पल। डेट दे ले, आज हो गया 9/5/20। कावटुरी वेंकट नारायण राव, नाम से ही समझ चुके होंगे, साउथ के कलाकार हैं, साउथ के कहानीकार हैं। पेज नंबर 114 पर सीधा प्रवेश करेंगे हम उछलते हुए, ताकि समय को लांघते हुए अधिक से अधिक पाठ्यक्रम को पेश करते हुए आज ठाकुर मां स्वामी जी के कृपा से रिवीजन का आखिरी क्लास बन जाए, यादगार क्लास कहें तो और भी अच्छा हो। 114, यस आ गया। स्पेलिंग सिर्फ देख ले तो आपने बहुत कुछ देख लिया साहित्यकार के बारे में। साहित्यकार से मैं कुछ पूछूंगा नहीं और बोर्ड भी आपका कुछ नहीं पूछेगा, निश्चिंत रहे। चप्पल शीर्षक पर दृष्टिपात करते हुए इसके मीनिंग की आवश्यकता नहीं पड़ रही है कि मैं इसका मीनिंग बता दूं, फिर भी पादुका बंगला में चोटी जो भी कह ले, हिंदी तो दिया हुआ है ही है चप्पल। एक ऐसी मार्मिक कहानी जो आपके हृदय को छू जाएगी,
कथा वस्तु बिल्कुल अनूठी, ये तो सहज सरल और परिचित पात्र। यहां रंगैया भले हो, रमन भले हो, होटल वाली गंगा भले हो, किंतु ये सारे पात्र लग रहे हैं जैसे जिंदगी के जीवंत पात्र हैं और ये किसी किताब या किसी कहानी के पात्रों में से नहीं है, ये तो हमारे चिरपरिचित जिंदगी के पात्र हैं। सो कहानी बड़ी मार्मिक बन गई है। कहानी को रूपायित करते समय, कहानी को व्याख्यायित करते समय, कहानी की विशेषता बताते समय मैं द्विसूत्री फार्मूले का अवलोकन करूंगा। क्या है हमारा द्विसूत्री फार्मूला? बहुतों को ज्ञात है, बहुतों को ज्ञात नहीं है। सो द्विसूत्री फार्मूले के तहत पठन और पाठन का ध्यान नहीं दिया। इसमें क्या ध्यान दिया जाता है? इसमें ध्यान दिया जाता है एक कहानी के मुख्य अंशों का अवलोकन अवश्य होना चाहिए। एक सिर्फ अवलोकन ही नहीं करेंगे, पेन भी हाथ में लिए रहिए, रेखांकित भी करते चलेंगे और हमारे जेहन से, हमारे दिमाग से उसका जो विश्लेषण बन पड़ेगा वो विश्लेषण भी मैं साथ साथ देते चलूंगा। तो सबसे पहले बताया कि ये कहानी बड़ी मार्मिक है, बड़ी अनूठी है, बड़ी सहज है, बड़ी सरल है और सबसे बड़ी बात है जिंदगी के यथार्थ को छूने वाली कहानी है। कहानी के मुख्य पात्र रंगैया पिता के रूप में, उसका बच्चा, उसका बेटा, उसका संतान रमण 8 साल का, निशान लगाते चले तो और अच्छा है, सेकेंड लाइन का फर्स्ट वर्ड ही है रंगैया। फोर्थ लाइन में देखिए मिडिल पोर्शन के ऊपर में 8 साल का है रमण, उसका अपना बच्चा है जो इसी साल जो है स्कूल में दाखिला लिया है। और तेलुगु की फोर्थ पंक्ति के अंदर तेलुगु की पहली पुस्तक पढ़ रहा है। पार्टी है, पहाड़े है, किताब है आदि, ये सारी चीजें उसको मुफ्त दी जा रही है। क्यों मुफ्त दी जा रही है मालूम? आज तो ये परंपरा चल पड़ी है, सरकार की यह पॉलिसी हो गई है, सरकार यह सोच रही है सभी पढ़े सभी बढ़े, कोई पीछे नहीं रहे, सबको साक्षर बनाओ। बड़े दिन हो गया यार गुलामी सहते सहते, कभी कायिक कभी मानसिक, कभी अपनों की कभी बेगानों की, कभी बाहर वालों ने रौंदा हमको, अब कितने दिन हम और सहेंगे? कारण सिर्फ एक ही, क्या? और शिक्षा, गरीबी, भुखमरी, फूट, वैमनस्य, यही तो सब है। और सबके मूल में अज्ञान, काला पर्दा के रूप में पड़ा हुआ जो हमारे जेहन पर डाल दिया जाता है, किसके द्वारा? शोषणकर्ताओं के द्वारा। सो सरकार कारगर है और हमें कहने में कोई संदेह नहीं कि इस पॉलिसी का, इस सिद्धांत का बड़ा असर समाज पर पड़ा है और बहुत से हमारे राज्य बिल्कुल साक्षर हो गए। धन्यवाद है एक बार सरकार को और सरकार के उन कुछ दिग्गज नेताओं को जिनकी सोच में ये विचार आया होगा कि शिक्षा को तो मुहैया कराया जाए। अब जैसे ही उसका पुत्र मास्टर साहब के चप्पल ले आकर के उसके सामने प्रथम लाइन में ही देखे धड़ाम धड़ाम करके पटक देता है, रंगैया का मुंह एकदम से चमक उठा। क्या? जब बच्चा कहता है कि मास्टर साहब ने इन चप्पलों को जो है मंगवाया है, बाबा इसको जल्दी से सी करके बना करके दे दो, तो मास्टर साहब के काम करने हैं, गुरु जी के काम करने हैं। गुरु तो ब्रह्मा है, गुरु तो विष्णु है, गुरु तो महेश्वर है। इसका मौका आज मिला ये सोच करके बेचारे का मुंह एकदम चमक उठा। कौन है रंगैया? हरिजन है, जाति का चमार है। गांधी जी ने कहा था ऐसे लोगों को हरिजन, ये चमार
50 वर्षों से देखिए बिफोर लास्ट लाइन, ये आपका फोर्थ वर्ड है, कहानीकार लिख रहा है 50 साल से वो यही पेशा करता है, सब कुछ बदल गया मास्टर साहब के। बेटा ये तो बड़े पुराने दिख रहे हैं, कहानीकार लिखता है दादा परदादा के जमाने के दिख रहे हैं। हालत देखिए, हुलिया देखिए और अंडरलाइन करिए, चमड़ा तो पूरी तरह से घिस गया है, अंदर के गत्ते बाहर निकल करके झांक रहे हैं। कहानीकार लिखता है चप्पलों की अवस्था और रंगैया की अवस्था दोनों एक, जैसे उसका समूचा हड्डी उसकी सारी शरीर से निकल करके झांक रही हो और बता रही हो समाज को कि देखो आज भी बहुत सारे लोग समाज में ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिए दो मुट्ठी अनाज नहीं है, पहनने के लिए 5 गज वस्त्र नहीं है और रहने के लिए नहीं है एक छोटी बोटी छोटी सी झोपड़ी, फिर भी हरि की कृपा पर और हरि की अनुकंपा पर अपनी जिंदगी को वो बोझ नहीं मानते, वो ढोते हैं हंस करते सांस जीते। सो रंगैया का मास्टर साहब के चप्पलों से और कहानीकार के द्वारा रंगैया का स्वयं के साथ तुलनात्मक अध्ययन भी जोड़ पड़ गया है, बहुत ही सुंदर, और इसको नंबर 1 में आप कोट करिए, कोटेशन के जगह इसको अवश्य दें, क्वेश्चन भी बता दूंगा, थोड़ा सा समय ले रहा हो ताकि द्विसूत्री फार्मूले के तहत मैं सब कुछ 15 से 20 मिनट के अंदर समाधान करना चाहता हूं। फिर देखिए लास्ट पैराग्राफ और अंडरलाइन करिए, सिर झुकाकर चप्पल सीने के बजाय दीन दुनिया से उसने कुछ भी न चाहा न मांगा, उसी तरह से वह 50 सालों से अपना पेशा करता रहा है मगर उसकी जिंदगी में आज तक कोई परिवर्तन नहीं आ गया। समाज इसी को देखते हुए तो दिनकर जी ने लिख दिया था भाई, जब तक मनुज मनुज का सुख भाग नहीं सम होगा, सेकंड लाइन, समित न होगा कोलाहल, आखिर संज्ञा संघर्ष नहीं कम होगा, और जब तक संघर्ष जारी है तब तक धनी और भी धनी होते जा रहा है, गरीब और भी गरीब बनता जा रहा है। लड़के ने चप्पल दे दी पिता को, पिता देख रहा है, कहानीकार अपनी कहानी का ताना बाना बुन रहा है, उसके साथ उसकी तुलना कर रहा है, इसके बाद में भी देख रहा है कि बेटा वही खड़ा है, बेटे के तरफ देखता है, क्यों रे क्या चाहिए तेरे को, कुछ चाहिए क्या, कुछ मांगता है क्या, बापू बापू अरे कुछ तो चाहिए। अब कहानीकार लिखने को बाध्य हो जाता, क्या क्या लिख देता है कहानीकार, बड़े मार्केट की बात बन जाती है, आप अंडरलाइन कर ले प्लीज। देखिए बिफोर फर्स्ट हाफ सेकेंड स्टेंजा, लास्ट सेकेंड स्टेंजा देखिए, आज के जमाने में हर किसी को पैसे की जरूरत होती है, बड़े बड़े यथार्थ को पेश कर दिया था। बच्चे के माध्यम से कहानीकार ने समाज के यथार्थ को प्रस्तुत कर दिया, इससे उम्दा इससे जीवंत साहित्यकार ढूंढने पर भी नहीं मिलता, छोटे छोटे से पात्रों को लेकर के जिंदगी की इतनी बड़ी सच्चाइयों पर से पर्दा हटा दे। और आज तो जमाना ऐसा आ गया है कि पग पग पर पैसे की, मतलब सांस ले रहे हैं, मैं तो कहता हूं अपनी क्लासों में कि सांस लेने में भी आजकल पैसे की जरूरत होती, कैसे, भगवान ना करे कभी जब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी ना हॉस्पिटल के अंदर, तो देखोगे पहले बोलेगा 6,000 दो तब सिलेंडर देंगे, तो बताओ बेटे
सांस लेने में जरूरत पड़ी कि नहीं पैसे की? हम तो सुनाम धन्य हैं, हमको तो ठाकुर मां स्वामी जी ने पूरा ऑक्सीजन बिखेर के ही रख दिया है। सुबह से शाम तक लो ना, कितना ऑक्सीजन ले सकते हो बिना पैसे के? बहुत में इससे उनको एक बार नमन है, ऐसे जगह पर ला करके स्वर्गीय वातावरण में रखने के लिए। हाँ, जिंदगी की यथार्थ को न भूले। पैसा हाथ का मैल जरूर है, लेकिन कहानीकार लिख देता है कि जिंदगी में आजकल सबको पैसे की जरूरत है। उसके बाद कहानीकार थोड़ा सा और बच्चे के ऊपर से और पिता के ऊपर से पर्दा सरकाता है, कहता है कि पांच बच्चों की मृत्यु के बाद ये जो रमण है ना, ये पैदा हुआ था और बेचारा इतना बदनसीब था कि पैदा होते ही माँ भी चल बसी। फर्स्ट हाफ में ही, लास्ट लाइन में देखिए, सब अंडरलाइन कर लीजिए। अब बेचारे की मां के जाने के बाद पिता ने, रंगैया ने उसका पालन पोषण किया था। सो एक ही साथ माँ और पिता उसका वह दोनों बन गया। लड़के के हाथ पर पैसा रख दिया और बच्चा जैसे पैसा रखते ही किसी दूसरे लोक में पहुंच गया। बुलाता रह गया, रंगैया रंगैया, लेकिन रंगैया के तो हाथ में पांच स्वर्गीय सुख मिल गए थे, पांच पैसे नहीं। भागा और पीछे मुड़ करके देखा नहीं। जब वो नहीं देखता है, पिता को गर्व हो जाता है, सोचता है कि कम से कम भगवान ने उसे एक बेटा तो दिया है और वह भी दूसरे बच्चों की तरह बेकार नहीं घूम रहा है, बल्कि कुछ पढ़ना लिखना सीख रहा है। रंगैया को रमन पर बड़ी आशाएं थी, उसकी खुशनसीबी थी कि मास्टर साहब उसको अपने यहां खाना पीना भी देते थे और पढ़ाते लिखाते भी थे। उनका ऋण रंगैया सोचता है कि जिंदगी में कभी चुकाया नहीं जा सकता। सो जब ऐसा सोचता है और दूसरी तरफ जब उसकी निगाह जब चप्पल पर पड़ती है तो सोचता है कि चलो कुछ तो करने के लिए मास्टर साहब के उनको मिला है। सो इसी कार्य को करके थोड़ा अपने को धन्य तो महसूस करे। कहानीकार लिख देता है, देखिए पेज नंबर 117 बिफोर लास्ट पैराग्राफ सेकेंड लाइन। उनमें कोई खासियत नहीं थी उन चप्पलों के अंदर, मगर रंगैया को वे बड़े ही महिमावान चप्पल लगे। एकदम परम पवित्र देवता के चप्पलों पादुका की तरह, जैसे भगवान राम की पादुका को भरत जी ला करके रखे थे, भरत की तरह ही रंगैया ने उन्हें आंखों से लगाया। सोचा, हाँ इनको मैं ठीक कर दूंगा, ऐसा ठीक करूंगा कि ये चप्पल नए हो जाएंगे, मास्टर जी भी क्या याद रखेंगे। कारीगर था उसे सच, जो कारीगर हुआ करते हैं ना, वो सचमुच बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। और इसके बाद कल की मेहनत का फल 6 रुपए 20 पैसे सेकेंड लाइन में देख लीजिए, अब इसको अंडरलाइन कर लीजिए। 118 उसको गिनता है, उसे उत्सुकता होती है। जरा चल करके रमन के विद्यालय को देखते हैं, रमन कैसा पढ़ लिखता है, थोड़ा ये पूछते हैं, मास्टर साहब से बात ही करते हैं, रमन मास्टर साहब कैसा पढ़ रहा है। पढ़ना लिखना उसके भाग्य में तो लिखा नहीं था, लेकिन फिर भी वह अपने को महिमावान समझता है। आज लड़का तो कुछ न कुछ सीख रहा है। और पहुंचता है मास्टर साहब के विद्यालय में, प्रवेश करे ना करे
कोई अपराध तो नहीं कर रहा है, इतने में किसी दूसरे शिक्षक की नजर उस पर पड़ती है, किसी को ढूंढ रहे हैं, किसी को खोज रहे हैं, आप कहाँ जाना है, किससे मिलना है? कहता है मैं अपने पुत्र से मिलना चाहता हूँ। क्या नाम है आपके पुत्र का? रमन। ओ रमन, अच्छा यह इधर चले जाइए बारामदे में, सामने सामने बारामदे में मास्टर साहब बैठे होंगे, वहां आप जाकर के अपने पुत्र से मिलिए, मास्टर साहब आपको मिलाएंगे। मास्टर साहब से मिलने पर पता चलता है कि रमन बड़ा होनहार है, इतनी बड़ी पुस्तक पढ़ने लगा है, वो सोचता है कि मास्टर साहब के कारण ही यह सब कुछ संभव हो सका है। कहता है गुरुजी मैं अपना चमड़ा उतार करके भी अगर आपके आपके चप्पल बना करके दे दूं तो भी मैं आपका ऋण नहीं चुका सकता, वस्तुतः गुरु का ऋण चुकाने के लिए हम बने ही नहीं है, गुरु का ऋण तो चुकाया ही नहीं जा सकता। आखिरी खाई जिंदगी की उसकी, आप इसको खूब पढ़ाइए साहब, अंडरलाइन कर ले, आप इसको खूब पढ़ाइए। मास्टर साहब को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि रंगैया उसी के नीचे झुक करके उसके पांव छुएगा, और बच्चों को भी कुछ अजीब सा लगा, आज तो बिल्कुल ही प्रचलन समाप्त हो गया है, आज तो ऐसी हवा में हम बह रहे हैं, कौन है गुरु और कौन है शिष्य, परंपरा ही विलुप्त हो गई है, इसको पुनर्जीवित करना कहानी का एक अहम उद्देश्य हो गया। मास्टर साहब भी कहते हैं कि रंगैया तुम रमन को अपना बच्चा मत समझना, ये मेरा भी बच्चा है और तुम उसका सारा भार मुझ पर छोड़ दो, अपनी जिंदगी की और कमाई मास्टर साहब के हाथों में देते हुए कहता है, मास्टर साहब आपको पहले 200 रुपए दिए थे, आज 4 रुपए और दिया, ये 204, अरे हाँ इस कमाई का क्या करोगे आखिर? मास्टर साहब पूछते हैं, बोलता है कि मैं कुछ नहीं जानता साहब, आप ही जानिए, मैं तो बस यही जानता हूं कि मेरा लड़का पढ़ लिख जाए, इतना ही पहुंच, पाठशाला उसको स्वर्ग की तरह प्रतीत होता है, और अशिक्षित आदमी यही समझता है कि पाठशाला स्वर्ग है, और उसका बेटा आज इतना भाग्यवान है कि उसको पढ़ने के लिए ऐसा जगह मिला है, सोचने लगता है क्या मैं भी पढ़ सकता हूं, क्यों नहीं तुम भी पढ़ सकते हो, मास्टर साहब ने कहा, लेकिन तुम्हारे पढ़ने लिखने की पाठशालाएं अलग है, उसे वयस्क पाठशाला या रात्रि की पाठशाला कहते हैं, तो माना मैं तुम्हारे पढ़ाई लिखाई का बंदोबस्त करा दूंगा और तुम भी पढ़ना लिखना सीख जाओगे। थोड़ा सा 120 के आखिरी दो पंक्तियों में रंगैया जहां रह रहा है उस जगह के परिदृश्य का वर्णन, उसका पर्यावरण क्या है, उस झोपड़ी के चारों ओर जितने लोग रहते हैं यहां हर कोई शराब पीता है, गंदा रहता है, रंगैया उन्हीं लोगों में से एक है, मगर उनके साथ उठना बैठना उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, गंदगी के कारण, अशिक्षा जहां है गंदगी वहां है, और गंदगी जहां है अशिक्षा के कारण ही, बच्चे को बड़ा बनाने की आकांक्षा उसके शरीर को उसके सांसों को चलाई जा रही थी। उसके बाद पेज नंबर 121, भगवान के प्रति रंगैया की बड़ी भक्ति थी, उसकी ईश्वर भक्ति और आस्तिकता को दिखा रहा, सोच रहा है वेंकटेश्वर की कृपा से अगर उसका लड़का पढ़ लिख लिया तो भगवान के सामने जाकर के अपने और अपने लड़के की भक्तिपूर्ण प्रार्थना प्रकट करके वह अपनी मनोती पूरा करेगा और मास्टर साहब के लिए एक नया चप्पल बना करके उनके पैरों में पहना देगा ताकि कुछ तो ऋण उऋण हो सके। इतने में 10 साल की एक बच्ची आती है, उसका नाम है पोली, कहती है कि मामा, मामा लगता है उसका आज माँ खाना नहीं बना पाएगी क्योंकि तो माँ की तबीयत ठीक नहीं है। कहता है कोई बात नहीं, कहीं और से भोजन कर लूंगा,
होली चली जाती है, रंगैया मास्टर साहब के चप्पलों को निकाल करके उन्हें कारीगरी से बना करके नया करने में जुट जाता है। अथक परिश्रम के बाद, एक घंटे अथक परिश्रम करने के पश्चात वह चप्पलों को बिल्कुल नया कर देता है, बिल्कुल नया, और उसे अटारी पर रख देता है। नल के पास ही रेलवे प्लेटफॉर्म का होटल है, गंगा उसकी मालकिन है। वहां जाकर के बैगन का सांभर और पिटुआ की चटनी गंगा से लेकर के चावल के साथ खाता है। खाना पीना खा करके वहीं पीपल के पेड़ के नीचे बैठा ही था, बैठे बैठे उसे नींद आ गई। इतने में कोई आकर के रंगैया को हड़बड़ा करके उठाता है, काका उठो काका उठो, बस्ती में आग लग गई है। रंगैया का दिल एकदम से बैठ जाता है, सोचता है बस्ती में आग लग गई, मैंने तो मास्टर साहब के चप्पल अटारी में रखे हुए हैं। रंगैया का मन उनकी यादों में चप्पलों को बचाने के लिए छटपटाने लगता है। कहानी का लिख रहा है, उस चलती हुई झोपड़ी में, पेज नंबर 124 फोर्थ पैराग्राफ अंडरलाइन करें, उस जलती हुई झोपड़ी में अगर कोई बहुमूल्य वस्तु है तो वह है मास्टर साहब के चप्पल। उनके जलने के बजाय उनका स्वयं जलकर राख होना उसे बेहतर लगा। जाता है अपनी झोपड़ी के समक्ष खड़ा होता है, बगल में ही एक युवक को देख करके सोचता है कि बेटा एक चप्पल मैं मास्टर साहब के रखा हूं अटारी में, किसी तरह ला देता तो अच्छा होता। लड़का कहता, पागल हो क्या, आंख से झोपड़ी जल रही है और तुम्हें चप्पल की चिंता है। आनंद भानंद में बिना कुछ सोचे हुए भावुक रंगैया गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश सब कुछ मानने और समझने वाला प्राणी आनंद भानंद में कूद जाता है, घर के अंदर चप्पलों को बचा लेता है। उन चप्पलों को वो अपने सीने में छिपा लेता है, औंधे मुंह गिर पड़ता है, आग की लपटों में उसका पूरा शरीर जल जाता है, उसकी आत्मा निकल जाती है, वो मर जाता है, किंतु चप्पलों को अभी भी सालिम रख पाता है, बचा पाता है, वो सफल हो जाता है अपने प्रयास में। कहानीकार लिखता है लास्ट लाइन, रंगैया के प्राणों का निकलना अगर किसी ने देखा होगा तो उस चप्पलों ने बस। आनंद फानंद में ही रंगैया के प्राण निकल जाते हैं और यही सिमट करके आ जाती है कहानी का उद्देश्य, कहानी की कथा वस्तु समाप्त। उद्देश्य ये है, सबसे पहले सभी पढ़े, सभी पढ़े, ज्ञान बहुत जरूरी है, अन्यथा अज्ञानता के अंधकार में मृग मरीचिका की तरह जीवन भर भटके हमें कुछ मिलने वाला नहीं। दूसरा, फलसफा पाठ्यक्रम का शुरू करने के पहले ही हमने बता दिया था कि माता पिता और गुरु तीनों जो है किसी भी इंसान को जिंदगी भर में सिर्फ एक बार ही मिलते हैं, ये इतने कीमती होते हैं कि इनका ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता। इसलिए गुरु को अगर उत्सर्ग करने पर भी शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, सस्ता समझो उसको। अगर अपना उत्सर्ग देने पर भी सच्चा गुरु मिल जाए तो उससे ज्ञान को ग्रहण कर लो, जिंदगी को साकार कर लो, साक्षात विष्णु को अपने अंदर ज्ञान के रूप में उतार लो, अगजग की भलाई करो, मानवता और मानव बनकर नित नूतन मुस्कुराओ, कांटों में रहो, कांटों में खिलो, लेकिन फूल बनकर महको, यही इस कहानी का उद्देश्य है। प्रासंगिकता, आज के जीवन में लुप्त होती मानवता बोध, आज के जीवन में लुप्त होती आदर्श, आज के जीवन में लुप्त होते गुरु शिष्य परंपरा को पुनर्उद्घाटित करके जिंदगी को नया आयाम दे देना, इस कलाकार की एक बहुत बड़ी विशेषता उभर करके कहानी के रूप में साकार हुई। जिंदगी भर ये कहानी जब तक रहेगी, मानव समाज जब तक रहेगा, तब तक ये कहानी प्रासंगिक है, प्रासंगिक थी
और प्रासंगिक रहेगी। इसकी प्रासंगिकता को प्रश्न चिन्ह दिखाया ही नहीं जा सकता। यह कहानी आज के संदर्भ में तो और भी प्रासंगिक हो गई है, जहां गुरु और शिष्यों के बीच एक दूरियां पड़ गई है, एक खाई पैदा हो गई है। इस खाई को पाटना, इस खाई को समाप्त कर दोनों के आपसी मिलन को पुरजोर कर, मजबूत कर साहित्य और समाज को एक नया आयाम देना कहानी की विशेषता बनकर के उभरी है। और अपनी इसी विशेषता के कारण ये कहानी युगों युगों तक प्रासंगिक रहेगी। अब क्वेश्चन के बाबत तीन प्रश्न कर लें इसमें से। एक तो होगा कि कहानी की विषय वस्तु उद्देश्य, रंगैया मुख्य पात्र के रूप में उभरा है, इसलिए दूसरा प्रश्न यही होगा कि रंगैया का चरित्र चित्रण बताओ, जगह जगह बताया हूं, अंडरलाइन करवाया हूं, आशा है आपको कोई तकलीफ नहीं मिलेगा। और तीसरा है कहानी की प्रासंगिकता पर अपने विचार व्यक्त करें। और आज का डेट समापन के दिनांक में आज ये समाप्त कर दिया, और उसी के बगल में उसी के बाद शुरू करने जा रहा हूं दूसरी कहानी नमक। एक भावनात्मक कहानी है नमक। मनुष्य को बांट सकते हो, लेकिन याद रखना बांटने वालों, इंसान जब पैदा होता है ना तो धरती पर वो मानव बन के ही आता है। हिंदू और मुसलमान तो हम उसको बनाते हैं। सो अंबर बांटी धरती बांटे, मत बांटो इंसान को, यही कहानी का मूल उद्देश्य बन गया है। दूसरा उद्देश्य ये है कि मनुष्य अपनी सरहद को, अपने जर्रो जमीन को, अपने देश को कभी नहीं भूल सकता। तीसरा उद्देश्य यह है कि यह कहानी आपसी दिलों को जोड़ने में एक सिलसिला का, एक मजबूत जोड़ का जोड़ की भूमिका निभा रही है। और चौथा संदेश यह है कि भावना के वेग में बह करके इंसान ऐसे भी बहुत से कार्य कर जाता है जिसे करने की अनुमति उसे कानून नहीं देती, लेकिन कानून की दृष्टि जब उस पर पड़ती है तो विजय भावना की हो जाती है, कानून पराजित हो जाता है। और इंसान होने के बाद कानून का संरक्षक खुद ही उसकी सहायता करते हुए सफिया की तरह कहता है, चाहिए ले जाइए अपने इस मोहब्बत के सौगात को, अब आपको कोई नहीं रोकेगा। कहानी का आरंभ देख लीजिए पेज नंबर 126 पर। सफिया किसी गुरुनाम में, भजन में, कीर्तन में, पंजाबियों के यहां भजन कीर्तन को सदगुरु नाम कहते हैं, वहां एक भद्र महिला से मिलती है। जब मिलती है तो भद्र महिला उनको लगती है अपनी मां की तरह, बताया कि कहानी भावनात्मक है, वहीं से भावना शुरू हुई। मां की तरह दुपट्टा ओढ़े, मां की तरह सफेद आगोश में, दुधिये रंग की चांदनी की तरह धवल मुखार बिंद, और उनको देख करके ऐसा लगता है जैसे वो कोई और नहीं उनकी मां हो। बातों बातों में पता लगता है कि लाहौर उनका अपना शहर था, वे उसको आज भी नहीं भुला पाई हैं। बातों बातों में वे बता रही हैं सफिया को, थर्ड पैराग्राफ, जब हिंदुस्तान बना था तभी आए थे, और वैसे तो अब यहां हमारी कोठी बन गई है, बिजनेस है, सब ठीक ठाक है, पर लाहौर बहुत याद आता है। हमारा वतन तो जी लाहौर ही है ना। और इतना कहने के साथ सितारे टूट करके उनके दुधिया आंचल में समा जाते हैं, आंसू पिघल
करके इनके आंचल निकलने लगते हैं। शफिया अपने दिल को रोक नहीं पाती है, वह माँ से कहती है, माता जी मैं लाहौर जा रही हूँ, आपको वहां से कोई सौगात लाना है तो मुझे भी बताइए। कहानी का दूसरा भाग, शफिया अपने भाइयों से मिलने, अपने मायके, अपने प्रियजनों परिजनों सहेलियों से मिलने पहुंचती है और देखते ही देखते पता नहीं कब 15 दिन उसके बीत जाते हैं। माता जी ने कहा था अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना। लाहौरी नमक क्या होता है मैं बता दूं, लाहौर का नमक इतना तो सबको मालूम है, अब लाहौर का नमक क्या होता है ये भी मैं बता दूं, इसका मतलब है सेंधा नमक, हमारे यहाँ के नेचुरल प्राकृतिक रिसोर्स से तैयार किया गया, लाहौर से बनता है, इसलिए इसे लाहौरी नमक कहते हैं। 15 दिन बीत गए, अब शफिया को वापस आना है लखनऊ, और शफिया 1 किलो नमक एक पुड़िया में भर करके पहले से तैयार है। समस्या यह है कि वो उसको ले करके कैसे जाएगी। कहानीकार लिखता है, कहानीकारा कहें तो और भी अच्छा है, रजिया सज्जाद जहीर कहानीकारा ही कहा जाएगा इनको, लिख रही हैं कि शफिया का भाई बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर था, उसने सोचा भाई ठीक राय देगा। भाई से पूछती है, भाई कहता है अरे आपा, आपा कहते बड़ी दीदी को, अरे दीदी भूल करके भी ऐसा कार्य करिएगा मत, अन्यथा कस्टम वाले आपके सामान की चिंदी उगड़ दे। चिंदी उगड़ना का अर्थ है तहस नहस कर डालना, सारा सामान आपका नष्ट हो जाएगा। लेकिन वो तो ठान ली है, भावना ले भावना का वर्ण किया है, प्रेम ने प्रेम के साथ मिलन किया है, दो दिलों का मिलन हुआ है। सफिया तो सोच लेती मैं तो ले जाऊंगी जरूर, मैं तो पक्का पठान हूं, मैं तो मुसलमान हूं, और मुसल्लम ईमान जिसके पास होता है, ईमान में से ईमानदारी, जो मुसलमान हुआ अगर एक बार जीभ से कुछ कह दिया, कोई वादा कर लिया, तो वो अपने वादे से मुकरेगा नहीं। सफिया तो सोचती है भाईजान मैं तो इसको लेकर के ही जाऊंगी, दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, सारे सामानों को सजा करके रात्रि के समय ही वो रख देती है, एक पेटी और एक बक्सबंद हमारा सामान पेडिंग के रूप में दो तैयार है। अब समस्या ये दो चीजों की है, एक तो कीनू को टोकरियां माल्टे और संतरे को मिश्रित किए जाने के पश्चात जो फल होता है उसे कीनू कहते हैं, कीनू की एक टोकरी किसी मित्र ने उसके हाथ में रखी थी आते समय कि इसे लाहौर का सौगात लेकर के जाइएगा। सोचती है अगर इस बुढ़िया को नमक के सैंधव लवण के, इस बुढ़िया को अगर कीनू की टोकरी में छिपा करके रख दिया जाए और लेकर के निकल जाया जाए तो इसमें कोई बहुत बड़ी बुराई नहीं होगी और आसानी से निकला जा सकता है। लेकिन यह क्या, आते आते उसका अपना दिल उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि वह जरूर इस लाहौरी नमक को ले जाएगी, लेकिन वह चोरी से इस तोहफे को नहीं ले जाएगी। अचानक दिल ने विद्रोह कर दिया। सो बैठे बैठे पेज नंबर 129 में थोड़ा देख लें, जो चीज हमने कहा कहानीकारा ने लिखा है कि नहीं। यस, पेज नंबर 129, पैराग्राफ नंबर 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ पैराग्राफ का सेकंड लाइन देखें, मोहब्बत का यह तोहफा चोरी से नहीं जाएगा। उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और हैंड बैग में रख ली, पुड़िया बदल दिया। क्यों? क्योंकि वह चोरी से नहीं ले जाना चाहती थी।
आगे बढ़ी सोफिया और कस्टम के एक ऑफिसर से उसकी मुलाकात होती है। नजर भर कर गौर से देखा ऑफिसर ने और उसको बोला, फरमाइए क्या कहना चाहते। फरमाइए शब्द सुन करके सफिया का हौसला बढ़ा और उसने पूछा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? वक्ता कहता है, कस्टम अधिकारी, मेरा वतन दिल्ली है, देहली है। आप भी तो हमारी तरह की मालूम पड़ती, अपने अजीजों से मिलने आए थे क्या? साफिया कहती है, जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ। जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो जी देहली में ही है। और इस प्रकार से ये सब कुछ देखने के बाद एक कस्टम अधिकारी से वह निजात पा गई और कहानी कारा लिख रही है 130 नंबर पेज के दूसरे पैराग्राफ की अंतिम दो पंक्तियां। मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। इस पर अंडरलाइन कर लीजिए, कानून हैरान क्यों रह जाता है? क्योंकि कानून का अधिकारी खुद साफिया के प्रेम पर हैरान रह गया। वह भी तो एक इंसान था, उस वर्दी को जो वो पहने हुए था उसके नीचे भी तो एक भावुक हृदय धड़क रहा था, जिसमें अपने के लिए एक जज्बात छिपा हुआ था, अपने के लिए प्रेम था, अपने के लिए भावना थी। सो जाने अनजाने वह कह बैठता है, आपा जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा। लाहौर अभी तक उनका वतन है और देहली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता बस धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद दूसरी बार साफिया को भारत में प्रवेश करते ही कस्टम अधिकारी का सामना करना पड़ा। लाहौर कहां से शुरू हुआ, कहां से अमृतसर आएगा, या कि लाहौर कहां खत्म हुआ और किस जगह से अमृतसर शुरू हुआ, यही नहीं समझ में आ रहा है। पहले तो साफिया के और उसके पहले कहानी का रह, उसके जेहन में लगता है, अरे जमीन एक ही, इंसान एक, तो ये आसमान एक, तो इंसान कैसे बदल गए, कैसे हो गया हिंदुस्तान और पाकिस्तान? कल तक तो दोनों भाई थे। अंडरलाइन कर लें, देख लें, उसी पैराग्राफ के अंदर पेज नंबर 130 के डाउनवर्ड्स चौथे पैराग्राफ में कुछ समझ में नहीं आता था कि कहां से लाहौर खत्म हुआ और किस जगह से अमृतसर शुरू हो गया। एक जमीन थी, एक जबान थी, एक सी सूरते थे, एक से लिबास अर्थात पहनावा था, एक सा लबो लहजा मिस बोलचाल, और एक से अंदाज थे। उसके बाद डॉट डॉट दे दें और आगे बढ़ के ये लाइन अंडरलाइन करें, बस मुश्किल सिर्फ इतनी की कि भरी हुई बंदूकें दोनों के हाथों में थी और ये भरी हुई बंदूकें ईर्ष्या के, जलन के, डाह के परिणाम है जो हमारे दिलों में विकार बन करके भाई और भाई को एक दूसरे का दुश्मन बना बैठे। इसके बाद दूसरे साहब से मुलाकात, जिसका नाम पिछले पृष्ठ में पेज नंबर 131 में दास गुप्ता बोल करके कहानीकार ने दिखाया है, उनसे रुष्टरू होती है। उनसे रूबरू होने के बावजूद साफिया सबसे पहले ही उनके समक्ष लाहौरी नमक की वो पैकेट खोल करके रख देती है। नमक देखते ही सब कुछ बता देती है। बताने के बाद वही प्रेम का सैलाब उस कस्टम अधिकारी के मन में भी फूट पड़ता है जो पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी के मन में फूटा था। हाँ, एक उदाहरण कहानीकार ने यहाँ और दिखा दिया है जो इस प्रेम को और प्रगाढ़ बना देता है। दिखा रहा है दासगुप्त ने 1 2 3 4 5
पांचवें पेज में देखिए आपको दिखाई देगा, उन्होंने मेज की दराज खींची, उसमें अंदर दूर तक हाथ डालकर एक किताब निकाली, किताब को साफिया के सामने रखकर उन्होंने पहला सफा खोल दिया। बाईं ओर नजरुल इस्लाम की तस्वीर थी और टाइटल वाले सफे पर हाशिए पर अंग्रेजी के कुछ धुंधले शब्द से थे, शमसुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्त को प्यार के साथ ढाका 1946। देने वाला मुसलमान, लेने वाला सुनील दास गुप्त, दोनों मित्र। धरती बांट दिया, आसमान बांट गए, कभी मित्र भी बढ़ते। सूरदास ने लिख दिया था, लड़िकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटे, उद्धव को लतेड़ती हुई गोपियां कहती हैं तुम जो बोल रहे हो कृष्ण को भूल जाओ, कृष्ण को भूल जाओ, कृष्ण को भूल जाओ, तो बताओ उद्धव जी कहीं बचपन का प्रेम कभी छूटा है? और बचपन के प्रेम में यहाँ दो चीजें हैं, बचपन का प्रेम अर्थात बचपन के मित्र का प्रेम, और उसके भी ऊपर बचपन की मातृभूमि का प्रेम। जिस आदमी में ये प्रेम नहीं है वो या तो पशु है नहीं तो पाषाण, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं होता। आगे कहता है वर्दीधारी अधिकारी, हाँ मेरा वतन ढाका है। उन्होंने बड़े फख्र से, फख्र में गर्व से जवाब दिया। आगे उसके बाद तीसरे पैराग्राफ में नजरुल और टैगोर को तो हम लोग बचपन से पढ़ते थे, उनके बारे में तो हम बचपन से परिचित थे, उनको हमको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। वतन चाहे आपका हो चाहे हमारा हो, हम दोनों से जुदा नहीं हो सकता, जुदा नहीं हो सकते हमारे अपने लोग, जुदा नहीं हो सकते उनके दुख और सुख, जुदा नहीं हो सकते लोगों के दिलों में छुपा हुआ देशभक्ति का वो सैलाब। इसीलिए तो कहानी का आरंभ लिख बैठती है। लास्ट थर्ड पैराग्राफ देखिए और उसके इस आखिरी पंक्ति को नजर में रख करके रेखांकित कर डालिए, हमारी जमीन हमारे पानी का मजा ही कुछ और है। दोनों उठते हैं, उठने के साथ साथ अधिकारी ने खुद ही उस लाहौरी नमक के पुड़िया को समेटा और समेट करके सफिया के बैग में रख दी, बैग उठाया और आगे आगे चलने लगे। साफिया उनके पीछे पीछे चलना शुरू कर दी। साफिया को उन्होंने अमृतसर के पुल तक चढ़ा दिया। साफिया पुल पर चढ़ रही है, अंतिम दृश्य अंतिम कहानी के पैराग्राफ को अवश्य अंडरलाइन कर ले, जिसमें कहानीकार का उद्देश्य, कहानीकारा फिर से बताऊंगा, कहानीकारा का उद्देश्य छिपा हुआ है। अमृतसर के पुल पर चढ़ रही कौन? सफिया, अलभ्य से नहीं दंत सा सफिया। और तब पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास वे सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे, सोच रहे थे अपने देश के बारे में, सोच रहे थे देश के अपने लोगों के बारे में, सोच रहे थे अपनी पुरानी यादों के बारे में। सफिया भी अपनी सोचों में हो गई, किसका वतन कहाँ है? वह कष्टम के इस तरफ है या उस तरफ है? वतन देश इसे बांटा नहीं जा सकता और नहीं बंट सकते आपस के दो भाई, नहीं बंट सकते उनका दिल, नहीं बंट सकती उनकी भावनाएं, नहीं बंट सकता उनके अपने दुख और सुख। यही है कहानी उद्देश्य, प्रासंगिकता। आज के इस जहरीले वातावरण में यह कहानी और भी संगीन हो गई है। इस कहानी की जरूरत आज के समाज को अवश्य पड़ गई है, जहां बुद्धि प्रखरता के साथ बढ़ती जा रही है और हृदय छूट करके रह गया है या कि पत्थर हो गया है।
हम सोच ही नहीं पाते हमें क्या लकवा मार गया या विशाल शून्यता की बीमारी से हम ग्रस्त हो गए। ऐसे क्षेत्र में, ऐसे समय में, ऐसे दहलीज पर यह कहानी एक मार्गदर्शक का कार्य करती है। यह कहानी हमें रास्ता ही नहीं दिखाती, यह कहानी हमें उन फलसफों को पढ़ाती है जिसको पढ़ने के बाद हमारी जिंदगी के सारे विकार, सारे दोष, सारे वैमनस्य, आपसी फूट सभी समाप्त हो जाते हैं और हम खिलखिलाकर कह उठते हैं हम सब एक है। कहानी का सबसे बड़ा पैगाम हमारे अपने दुख और सुख, सबके अपने दुख और सुख है। पिछली कहानी के तरह इस कहानी के भी वही तीन प्रश्न मैं फिर से दोहराने की जरूरत समझता हूं। फिर से एक बार बता रहा हूं, कहानी के कथा वस्तु के साथ ही साथ उद्देश्य दोनों को एक साथ जोड़ करके रखिएगा, सफिया का चरित्र चित्रण एंड तीसरे नंबर में कहानी की प्रासंगिकता। इसके बाद हम अपने अच्छा एक और कार्य कर ले, हम आज का समापन डेट दे दें 9:05। भागते हुए समय की परिधि से आगे निकल जाने की प्रार्थना गुरुदेव से करते हुए चाहेंगे कि हमारा रिवीजन का सारा कार्यक्रम वे निर्विघ्नता के साथ आज संपन्न कराए। उसी कार्यक्रम के तहत अगला पड़ाव नन्हा संगीतकार हेनरी शेंकेविच 96-103 अवलोकन के लिए प्रस्तुत है। अंतरराष्ट्रीय साहित्यकार, ख्याति संपन्न साहित्यकार, सौभाग्य है ऐसे लोगों को पढ़ने का मौका कम से कम हमें तो बचपन में नहीं मिला था। आप भाग्यवान हैं, हमने पढ़ा भी था तो 12 के बाद जबरदस्ती पढ़ना शुरू किया था, पाठ्यक्रम में नहीं था। आप बड़े भाग्यवान हैं कि कम से कम हेनरी शेंकेविच अर्थात एक साहित्यकार को तो आप कम से कम क्लास 10 में पढ़ने के काबिल हुए और पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त करता है। आप सबको नन्हा संगीतकार एक प्रेरणा दे, एक सोच दे, एक नई दिशा दे ताकि कहानीकार का उद्देश्य सार्थक हो सके, यही प्रार्थना है मेरी। नन्हा संगीतकार हो या छोटा जादूगर हो या ममता हो, जब भी आप देखेंगे कि कहानी का नामकरण, कहानी का शीर्षक कुछ ऐसा बना दिया गया है जो उमड़ घुमड़ करके किसी एक पात्र के बारे में ही सब कुछ बयां करने को ललायित है, तो हमें निर्विवाद कह देना चाहिए कि या तो ये चरित्र प्रधान कहानी होगी और नहीं तो होगी व्यथा कथा और करुणा की कहानी, और नहीं उसकी जिंदगी को रूबरू कराने के लिए कहानीकार ने इस कहानी का सृजन किया होगा जिससे वह बहुतेरे पैगाम हमको देना चाहे। मैं इस संगीतकार के, नन्हा संगीतकार के नाम को थोड़ा बाद में बताऊंगा आगे चलने पर। मैंने इसे अपनी तरफ से नाम दिया है गुदड़ी का लाल, एक मुहावरा है गुदड़ी का लाल अर्थात गरीबी में गुणवान होना। आदमी गरीब हो बात की बात है, कि गरीबी को प्रेमचंद ने दुनिया का सबसे बड़ा रोग माना था, सबसे बड़ा अभिशाप माना था। भगवान न करे, मेरी प्रार्थना है कि मेरा दुश्मन भी कभी गरीब पैदा हो। इसलिए
क्योंकि आगे हम देखेंगे कहानी का समापन ही होता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के वे शब्द बरपस दिमाग को छू जाते हैं जब उन्होंने मेरी जीवन गाथा आत्मकथात्मक निबंध में लिखा था कि गरीबों और भागों के सुख स्वप्न कभी सच्चे नहीं निकलते। क्लियर? नो डाउट, कोई संशय संदेह नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं। मैंने जब इसको पहली बार पढ़ा था तो मुझको लगा था यार तो लगता है कि गलत है, मनुष्य चाहे तो क्या नहीं कर सकता, और फिर इसमें सुख स्वप्न ये क्यों नहीं सच्चा निकलेगा, इंसान चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। दिन बीतते गए, समय बीते, वर्ष बीते, जिंदगी के बहुत से हिस्से बीत गए, आज लगता है कि ना मैं गलत था, मैं गलत आज भी हूं और मैं गलत अब रहना नहीं चाहता, इसलिए मैंने शिरोधार्य कर लिया और कह दिया कि हां जो लोग गरीब होते हैं ना उनकी आकांक्षाएं, उनकी अभिलाषाएं, उनके जिंदगी के सपने कब्र हो जाते हैं उनके अपने दिलों में, उनकी जिंदगी के साथ ही मटिया मेट हो जाते हैं, कभी पूरे नहीं होते। इसलिए नमन है इन दोनों व्यक्तियों को, प्रेमचंद और महावीर प्रसाद द्विवेदी को, एक बार फिर से जिन्होंने जिंदगी के दो बड़े फलसफों को आज फिर से जेहन में ताजा कर दिया। उसी की याद ताजी करने के लिए मैंने लिख दिया था गुजरी का लाल, आप भी लिख लें। अब क्या होगा, अब जो है इससे हमारे उद्देश्य में बड़ी सुविधा मिलेगी और हमारा एक ही उद्देश्य उभर करके इस कहानी में, अन्य कहानियों की तरह जिस तरह मैं दिन करके 1, 2, 3, 4, 5, 6 कई उद्देश्य बताते चला गया, आज मैं इस कहानी के अंदर ऐसे कुछ साहस नहीं करूंगा। मैं सिर्फ यही बताऊंगा कि कहानीकार का एक और महज एक संदेश यही है, अगर आसपास कोई मिले, आसपास ऐसा गुदड़ी का लाल दिखाई दे तो जरूरत है हमको, जरूरत है समाज को, जरूरत है हमारे समाज सरकार को, जरूरत है हमारे प्रतिष्ठान को, जरूरत है माँ बाप को, जरूरत है पाड़ा प्रतिवेशी को, ये ऐसे लोगों को खोज खोज करके उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति, शायद उनकी आकांक्षाएं पूरी की गई होती तो आज हमारा चैन एक सर्वश्रेष्ठ कलाकार बन करके उभरता, मरता नहीं। देखते हैं कहानीकार के शब्दों में, दुनिया में जब वो आया तो बेहद कमजोर और दुर्बल था और उसके साथ ही साथ माँ और बच्चे दोनों ही अफसोस और जाहिर कर रहे थे, इर्द गिर्द के लोग दोनों को देख करके दोनों बचेंगे कि नहीं बचेंगे कहने की आवश्यकता नहीं है, दोनों काल कवलित होने वाले हैं। लोहार की एक पत्नी थी जो तजुर्बे में थोड़े तजुर्बेकार थी, थोड़ा उम्र दराज थी, सोची पादरी को बुलाया जाए और जल्द से जल्द बच्चे का नामकरण कर दिया जाए ताकि दुनिया से विदा लेने के पहले इसका नामकरण कर दिया जाए और इसे मोक्ष मिल सके, अन्यथा ईसाई आत्मा दुनिया से जब विदा ले लेगा और उसका कोई नाम नहीं रहेगा तो वो भटकते रहेगा। लेकिन कहा जाता है राखे हरी मारे के, और मारे हरी तो राखे के,
अर्थ तो समझ में आ ही गया होगा। जाके राखे साया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। हुआ क्या? उल्टा, विधाता को तो कुछ और ही मंजूर था। सो ये क्या, लड़का और मां दोनों ही देखते देखते जी उठे। मरने के बजाय मां पूरी तरह भली चंगी हो गई। देख लीजिए, अंडरलाइन कीजिए पेज नंबर 97 को और सजदा कीजिए ऊपर वाले को। हाय रे ऊपर वाला, अगर तू नहीं होता तो गरीबों का मसीहा क्यों होता? कौन बनता? किसे कहते दीनानाथ, किसे कहते गरीब नवाज? 4 बरस का था। एक दिन कुटिया की छत पर एक पपीहे ने कुहू कुहू की तान छोड़ी और पॉलिश लोग विश्वास के आधार पर इसको शुभ सुकून माना गया। आज वह भला चंगा हो गया, 10 बरस का हो चुका है। हमारा नन्हा संगीतकार हमेशा दुबला पतला और नाजुक ही दिखाई दिया, इसके बावजूद भी वह अपनी जिंदगी को अपने अंदाज से जीता हुआ नजर आ रहा है। पुआल की पुरानी टोपी पहने हुए दो जून की रोटी जुटाने के लिए कभी वह भेड़ों को चराता है, कभी अपने बूते पर जीना सीखता है, कभी जब घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता है तो मशरूम की खोज में जंगल में चला जाता है। लोग देखते हैं, पाड़ा प्रतिवेशी अपने पराए तो यही कहते हैं कि बच्चा ज्यादा दिन जी नहीं पाएगा। जो भी हो, कुदरत ने उसकी हिम्मत में एक नियामत बख्शी थी। कहानीकार लिखता है, संगीत से उसे बेइंतहा मोहब्बत था, वह मोहब्बत ही उसकी धुन थी। अंडरलाइन कर लीजिए, उसका मन और प्राण तो जंगल में बसता था, वह खुले हुए प्रकृति का निरीक्षण करना ही पसंद करता था। जब तक कि आने वाला निरीक्षक उसके हाथ पर, उसके शरीर पर 2 फुट पट्टी उठाकर सटाक सटाक दे नहीं मारता था, तब तक वो अपने होश में नहीं आता था। संगीतकार जेन को था ये हमारा छोटा और नन्हा संगीतकार, जिसका नाम हमारे स्वयं के कहानीकार ने पेज नंबर 98 पर क्लियर किया है। चरम आनंद की अनुभूति से भर उठता, वो सपने में खो जाता। अब तो समझ ही चुके हैं कि उसके शरीर में, उसके मन में, उसके मस्तिष्क में संगीत के प्रति इतना लगाव था कि यह लगाव उसके दहलीज को पार करते हुए उसकी जुनून बन गई थी। दीवार से सट करके बैठ जाता और संगीत सुनने लगता, कहां शराब खाने की दीवार से, जिनको तल्लीन हो करके उसमें खो जाता और सोचने लगता उसे भी कहीं से कोई वायलिन मिल जाए, कहीं से कोई वाद्य यंत्र मिल जाए, कहीं से कोई सारंगी मिल जाए, क्योंकि प्रकृति के हर कण कण में, पशु पक्षी के आवाज में, चप्पे में, जल की लहरों में, सूर्य की किरणों में, सब जगह तो उसे सारे गी यही शब्द दिखाई देते थे। इस जुनून ने आखिरकार उसे बाध्य कर दिया कि वह काठ के फलक से अपने लिए एक सारंगी बना डाला। छोटा बालक तार के जगह इस्तेमाल किया घोड़े के बालों को। क्या ऐसी सारंगी उस असली सारंगी की तरह बज पाएगी? उत्तर होगा कभी नहीं। सो उसका मन, उसकी आत्मा अभी भी छटपटा रही थी। उसकी चाहत थी, उसकी जिंदगी की आखिरी इच्छा कहे तो उचित होगी कि उसे किसी तरह से एक वायलिन मिल जाए, मगर अफसोस
उसकी इस चाहत ने उस बदनसीब की जान ही ले डाली। 99, बेस नंबर 99, लास्ट टू लाइंस, उसकी एक ही चाहत थी एक किसी तरह एक बायलिन उसे मिल जाए, मगर अफसोस उस चाहत ने उस बदनसीब की जान ही ले डाली। वही बताया था ना महावीर प्रसाद त्रिवेदी के शब्दों को, गरीबों और अभागों के सुख स्वप्न कभी सच्चे नहीं निकलते। बैरन और उसका परिवार बरसों से इटली में रहता था। बंगले की देखभाल करने वाला वर्दी जारी सिपाही, उसके पास एक वायलिन था, वह उसे रोज देखता था और देख करके उसे अपार खुशी मिलती थी। कहानीकार लिखता है वह बल्लियों उछलने लगा, बल्लियों उछलना मुहावरा है, बहुत ज्यादा खुश हो गया। एक शाम उसने देखा कि नौकर घर में नहीं है, वर्दीधारी सिपाही भी अपनी प्रेमिका के साथ कहीं घूमने चला गया। वायलिन चांद की दुधिया रोशनी में चमचमा रहा था, कितना खूबसूरत है, जादू की तरह। लोग उसके जेहन को उसकी आत्मा को झिझोड़ने लगे और उसके संगीत की बेइंतहा प्रेम और मोहब्बत की पराकाष्ठा ने उसको उद्वेलित कर दिया। कहा, चलो जेनको आगे बढ़ो, वहां कोई भी नहीं है, जाओ जेनको आगे बढ़ो, छू लो, ले लो अपने उस वायलिन को। बगीचे में तालाब के किनारे बुलबुल ने कोहकना भी शुरू कर दिया था, आगे बढ़ो, हिम्मत करो, जाकर छू लो प्यारे। जाता है, हाथ बढ़ाता है, इतने में ही एक गंभीर आवाज, कौन है वहां? पेज नंबर 101, फर्स्ट हाफ, करीब करीब फर्स्ट हाफ के ठीक नीचे ही देखें कौन है वहां, अंडरलाइन करें और छोटा सा नन्हा सा संगीतकार पकड़ा जाता है। गालियों घूसों मुक्कों की बरसात उस पर होने लगी, उसका कोई दोष नहीं था, चोरी करना उसका उद्देश्य नहीं था, संगीत में रम जाना, संगीत में डूब जाना, बच्चा तो यह चाहता था। बच्चा रोने लगा, बिलखने लगा, याचना करने लगा, ईश्वर के वास्ते मुझे छोड़ दो, लेकिन किसी ने उसे ईश्वर के वास्ते नहीं छोड़ा। दो दिन के बाद छोटा भागा जेन को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। न्यायाधीश और मकान मालिक ने, दोनों ने कटघरे में खड़े अपराधी को देखा। न्यायाधीश के तो होश उड़ गए। देखिए पेज नंबर 101 और डाउनवर्ड्स फोर्थ लाइन पर ध्यान एकाग्र कीजिए और रेखांकित कर लीजिए। न्यायाधीश सोच में पड़ गया कि इस कदर दुर्बल महज 10 वर्ष के इस अभागे बालक को मैं क्या दंड दूं, जो अपने पैरों पर ठीक ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। बहुत कुछ सोचने और समझने के बाद उसने सिर्फ यह कहा, चौकीदार को बुलाओ, और बुलाने के बाद चौकीदार से कहा, इसे ले जाओ और चेतावनी के बताओ, अलर्टनेस, सावधान रहना, आज के बाद से ऐसा न करना, इसे बेत से पिटाई करो। लेकिन वह क्रूर चौकीदार और पागल सा बेरहमी हत्यारा बच्चे को इतना पीटा कि नन्हा जेन को हमेशा के लिए बिस्तर पर पड़ गया। अगले रोज जेन को बिस्तर से उठ नहीं सका। तीसरे रोज, तीसरे दिन उसने आखिरी सांस ली। जब वो मरा तो किस कपड़े से ढका हुआ बिस्तर पर वह हमेशा के लिए नींद सोया था। थोड़े से कहानीकार के शब्दों को देख ले, 102 डाउनवर्ड्स सेकेंड पैराग्राफ स्टार्टिंग फोर लाइंस। अगले रोज जेन को उठ नहीं सका, तीसरे रोज उसने आखिरी सांस ली,
घोड़े की जिन के कपड़े से ढके बिस्तर पर वो हमेशा की नींद में सो गया। उस अभागे के पास तो इतना भी कपड़ा नहीं था कि वह उस पर सो करके आखिरी नींद ले सके, जिनको की आत्मा स्वर्ग में विलीन हो गई। मरने के पहले आखिरी इच्छा के तहत कहानी यहां आकर के कहानी बड़ी करुणात्र होगी। आंखें नहीं चाहते हुए भी नम हो जाए, सैलाब रोके नहीं रुकेंगे, किंतु जिंदगी की विडंबना को राम ने झेला, कृष्ण ने झेला, रामकृष्ण ने झेला, हमको भी तो झेलना ही पड़ेगा। सो झेलेंगे, बच्चे के शब्दों को देखेंगे, आंखों से आंसू नहीं निकले, यही प्रार्थना करेंगे भगवान से। मां मां भगवान मुझे स्वर्ग में असली वायलिन देगा? एक ऐसा प्रश्न है तो पत्थर दिल इंसान को भी रोने पर मजबूर कर देगा। मां कहती है बेटा अवश्य देगा, वह तो गरीब निवाज है, वह तो दीन दुखियों का मालिक है, वह तो सबका मसीहा, वह नहीं देगा तो कौन देगा। इसके बाद मकान मालिक अपनी लड़की और उसके मंगेतर के साथ इटली चला जाता है। इटली के सौंदर्य का गुणगान करने वाला बच्चे के भोले सौंदर्य को भी नहीं समझ पाया और उसे उसकी जिंदगी से ही मुक्ति कर दिया। कहानीकार यहां आकर के व्यंग करता है, इस देश में ऐसे लोग भी हैं जो गरीबों के बीच, उनके सपनों के बीच, उनकी चाहतों के बीच सौंदर्य नहीं देखते। उन्हें तो विदेशों का, उन्हें तो अट्टालिकाओं का, उन्हें तो रंगीनियों का स्वप्न भाता है। लास्ट लाइन ऑफ द स्टोरी, जैनको की कब्र पर कितने ही कीड़े मकोड़े भिनभिना रहे थे, अर्थात जैनको मेसा के लिए सो गया, वह मिट्टी में मिल गया, मिट्टी मिट्टी में मिल के खाक हो गई। और कहानी का अहम उद्देश्य, महत्वपूर्ण उद्देश्य आज हमारे सामने उभर करके हमें संदेश दे रहा है कि ऐसे जरूरतमंद, गरीब, लाचार और मजबूर इंसानों को खोज खोज करके हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हमें कोई भी इंसाफ करने के पहले सोचना चाहिए कि उसने ऐसा क्यों किया। काश अगर हम ऐसा कुछ कर देते तो आज हमारा ये नन्हा जैनको मशहूर जैनको के रूप में एक मशहूर संगीतकार बन करके उभरता, वह देश के ऊपर, वह स्वयं के ऊपर, वह अपनी धरती और अपने मां के ऊपर कलंक नहीं बनता। कहानी का समापन हो जाता है, कहानी के उद्देश्य की भी यह लीला समाप्त हो जाती है। प्रासंगिकता के रूप में बताया ही कि आज तो और भी, भारत तो वैसे भी 70-80% किसानों का गांव है जहां रोटी कपड़ा और मकान ही नहीं जुटता है। ऐसे में लोग क्या हमारे सपनों को, हमारी जरूरतों को और हमारे खुशियों के लिए सब कुछ उत्सर्ग करने को तैयार हो सकेंगे? प्रासंगिकता के रूप में यही प्रासंगिकता कहानी को आज मणिकांचन संयोग के साथ जुड़े हुए साहित्य की धारा में त्रिवेणी के एक बूंद के रूप में समाहित होकर के सबका मंगल, सबका विकास की कामना करती हुई अग्रसर हो रही है। और जब तक यह कहानी समाज में बनी हुई है, हेनरिक सेंकोविच की लेखनी कभी मर नहीं सकती, उसकी लेखनी अमर है। और ऐसी अमर लेखनी को हमारा शत शत नमन है। इसके पश्चात
थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करेंगे हम अपने सिलेबस के ऊपर। हमारे फर्स्ट मंथली के सिलेबस में हमने रैदास के पद, धूमकेतु, नौबत खाने में इबादत सब कुछ खत्म कर दिया था। तीसरी कसम का आधा भाग था हमको पढ़ाना। हमने कह दिया था कि ये कर्मनाशा की हार हम लोग इस समय पढ़ लेंगे, किताबों के वजह से न मिलने के कारण ऐसा हमने किया था, क्योंकि 35 पेज की कहानी को एक दो पुस्तकों से पढ़ाना संभव नहीं था। कर्मनाशा की हार को हमने पढ़ लिया था और कहा था कि सेकेंड मंथली अवार्ड्स हम इसको पूरा करेंगे। तब तक परिस्थितियों की मार और महामारी के चक्कर में पढ़ करके हम लोगों ने भागते भूगते जैसे भी हो अपना सेकंड मंथली पूरा किया, आत्मोत्तराण समाप्त। उसने कहा था नन्हा संगीतकार, उसने कहा था एक कहानी बचा हुआ है किंतु इसको मैं ये यहां पर डाल रहा हूं, टेस्ट के समय में इसको मैं डाल करके इसको यहां से हटा दे रहा हूं। और तीसरी कसम ये जो बची हुई है इसको भी हम लोग बाद में देखेंगे, ये दो कहानियों को। तो एक कहानी जो है हमने यहाँ टेस्ट में डाल दिया, वो है उसने कहा था। छोटी कहानी है लेकिन अभी मैं सिलेबस को ज्यादा लंबा खींचना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि अब खींचने की आवश्यकता भी नहीं, बहुत कुछ हो चुका। तो तीसरी कसम को हमने टेस्ट में भेज दिया और जैसे ही हम अपने कक्षाओं में पुनः वापस आएंगे तो हमने प्री टेस्ट में एक तीसरी कसम जोड़ दिया, तीसरी कसम, ठीक है। तो उसने कहा था को यहां से हटाया, नन्हा संगीतकार आज खत्म कर लिया, तीसरी कसम को हमने प्री टेस्ट में भेज दिया। रिवीजन टेस्ट के अंदर था नीड का निर्माण, फिर हमने पढ़ा दिया था। चप्पल की आज समाप्ति हो गई, कर्मनाशा की हार कंप्लीट है, बच गया है मनुष्य और सर्प। मनुष्य और सर्प कविता को हमने शुरू किया था लेकिन रात को मैंने सोचा और मेरी आत्मा ने सोचा कि रामधारी सिंह दिनकर की कविता को और मीडिया के क्लासेस में पढ़ाना कैसा एक लग रहा है। सो हमने क्या किया और हम क्या करेंगे, उसके पहले ही हमारे ठाकुर ने रास्ता बना लिया था। हम उसके पहले एक चैप्टर पढ़ा दिए थे नौरंगिया, नौरंगिया ये प्री टेस्ट में है लेकिन ठाकुर ने हमको इशारा कर दिया शायद, हम उस दिन नहीं समझे, हमको रात में समझ में आया कि हम नौरंगिया क्यों पढ़ाए थे। हम नौरंगिया इसलिए पढ़ाए थे क्योंकि हमारे पास उस समय सिलेबस नहीं था। जिस दिन मैं कल या परसों लास्ट क्लास लेकर के लास्ट गया हूं यहां से और सिलेबस जब हाथ में आया है, रात के समय मेरे दिल ने सरगोशी की कि दिनकर जी को कम से कम आमने सामने हम पढ़ाए तो उनको सम्मान उनके सम्मान में और थोड़ा सा हम अपना अपनी भक्ति और निष्ठा प्रदर्शित करें। सो हमने मनुष्य और सर्प को काटने की हिमाकत आज की है यहाँ रिवीजन टेस्ट के अंदर। मैं नौरंगिया जोड़ रहा हूँ, नौरंगिया, ओके। और इस प्री टेस्ट के यहां से नौरंगिया को हटा करके मैं मनुष्य और सर्प को ला रहा हूं, मनुष्य और सर्प। ग्रामर हमारा अवलोकन में चल रहा है, ग्रामर तो हम लोग 8, 9, 10 बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, 10 में तो कुछ पढ़ना ही बाकी नहीं है, सबकी सिर्फ पुनरावृत्ति ही चल रही है। एक चीज बच जा रहा है, निबंध हमने लिख दिया था महत्वपूर्ण, मैं आपकी सुविधा के लिए कुछ एक निबंध आज मैं बता दे रहा हूँ। विद्यालय आपको उसी में से पूछेगा, आप भी खुश हो जाएंगे और विद्यालय तो हमारा खुश होएगा ही। नंबर वन है, वन ये होगा इसके तहत, वन के दे दीजिए, दो वर्ष 2020 आपकी दृष्टि में, आपकी दृष्टि में। एक दूसरा आप लिख दीजिए शरीर दान महादान, शरीर दान महादान, ये दूसरा निबंध आपका हो गया। और तीसरा निबंध आप बनाइए ग्लोबल वार्मिंग, वार्मिंग चौथा सबके लिए एक दे दीजिए, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना,
चार हो गए। और आखिरी आखिरी एक दे दिया जाए, शरीर दान महादान कर दिया, वर्ष 2020 आपकी दृष्टि में कर दिया, ग्लोबल वार्मिंग कर दिया, मैहर नहीं सिखाता सबके लिए दे दिया, एक ट्रेडिशनल दे दो जो पुरानी काल से हम लोग पढ़ते पढ़ाते चले आ रहे हैं, आपका प्रिय साहित्यकार। चलिए ये लिख दीजिए, तुम्हारा प्रिय साहित्यकार। एक दृष्टि में आपको दे दूंगा, आप कम से कम बंगला वाला न लिखे प्लीज, लिखते समय आप हिंदी वाले साहित्यकार को ही चुने। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारा आज का ये क्लास आपकी जिंदगी में कुछ नया जरूर लाएगा। वैसे जिंदगी है जब तक, जिंदा दिली का दूसरा नाम है। हर परिस्थिति में हर समय ईश्वर को न भूले, माता पिता और गुरु के आशीर्वादों की सदैव कामना रखें, बढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। जिंदगी रही, सब कुछ ठीक ठाक रहा, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम कृष्ण देवाय नमो नमः। जय हिंद।